जिसका नाम क्या है, स्क्वायर। मतलब आज हम लोग स्क्वायर काटना सीखेंगे, सीखेंगे कि कैसे दो नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर्स का, मतलब थ्री डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर करना, फोर डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर करना कैसे इजी वे में कर सकते हैं, हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। नहीं, आइए, पिछले क्लासों में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, उस मल्टीप्लिकेशन में हमने एक बॉक्स मेथड सिखाया था। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे भाइयों ने व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे पूछा कि सर ऊपर में तीन और नीचे में दो टू डिजिट हो तब कैसे प्रोडक्ट करेंगे। आइए उसको भी डील करते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझेंगे केवल चुटकी भर का है, फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे। आइए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2, 3, 4 को प्रोडक्ट करना है, 5, 2 से प्रोडक्ट करना है इसको। इसको बॉक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 5 है ना, इसको आप एक 0 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए ऊपर भी 3 डिजिट और नीचे भी 3 डिजिट हो गया। इस तरह से अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके बॉक्स मेथड लगा सकते हैं। तो 0 कहने का यही मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 0 लगा करके हम लोग उसको ऊपर और नीचे की डिजिट को क्या कर सकते हैं, तो बराबर कर सकते हैं और फिर हम लोग बॉक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। स्पष्ट है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ना है एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, एक बहुत ही खूबसूरत मेथड भी है, जिसका नाम क्या है हमारा, स्क्वायर पढ़ना है। आइए स्क्वायर समझते हैं पहले, स्क्वायर होता क्या है एकदम बेसिक से। जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है a to the power n। हाँ, ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं हम लोग, पावर। बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, पावर कहते हैं हम लोग, इंडेक्स कहते हैं हम लोग, और बहुत सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं हम लोग। और हम लोग आगे नीचे वाले को क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो नीचे वाले को कहते हैं क्या, बेस कहते हैं। हिंदी में ऊपर वाले को घात कहते हैं हम लोग, और नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। स्पष्ट है हम लोग, कुछ नहीं है, ऊपर वाला पावर है, नीचे वाला बेस है। अगर लिखा हुआ है a to the power n, इसको पढ़ेंगे a to the power n। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं है, इसको पढ़ेंगे a to the power n। चलिए अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 to the power 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 into 2 into 2, है ना। इसका यही मतलब है कि एक 2 को कितनी बार प्रोडक्ट करना है, तो 3 टाइम्स प्रोडक्ट करना है। इट डज नॉट मीन्स 2 into 3, इसका ये मतलब कभी नहीं समझना है, ध्यान से समझना है कि 2 को 3 से प्रोडक्ट करना नहीं करना है, 2 को 3 से प्रोडक्ट करना इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स प्रोडक्ट करना, 2 into 2 into 2 करना। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही खूबसूरत चीज थी ये। आइए हम लोगों ने यहाँ तक समझ गए, अगर लिखा हुआ है हमारा एकदम अच्छा से समझेंगे, अगर लिखा हुआ है 2 to the power 5, यानी इसका क्या मतलब है 2 into 2 into 2 into 2 into 2, बहुत ही खूबसूरत है, 2 को 5 बार प्रोडक्ट करना इसका यही मतलब है। स्पष्ट है, यानी पावर क्या कहता है कि उसको उतना बार ही गुणा कीजिए। आइए कुछ और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है a to the power 2, इसका ये मतलब है कि a को कितना बार गुणा करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार, 5 के पावर 2, इसका मतलब है 5 को कितना बार गुणा करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। जब पावर 2 हो तो इसको एक स्पेशल नेम देते हैं, एक स्पेशल नेम से पुकारते हैं, जब कोई यहाँ पे बेस पे पावर 2 हो तो इसको कहते हैं स्क्वायर, या हिंदी में इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग। एकदम समझेंगे, जब पावर 2 हो तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। आज हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर करना, मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर्स होंगे, या ऐसे कह सकते हैं 2 डिजिट का 3 डिजिट का 4 डिजिट का स्क्वायर करना सीखेंगे। तो स्क्वायर हुआ, अगर यही पावर 3 रहता ना तब इसको कहते हैं क्यूब, हिंदी में कहते हैं घन। स्पष्ट है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर के बाद। तो हम लोगों ने सीख लिया, यानी आज से समझ के स्क्वायर का क्या मतलब है, उसी नंबर को 2 बार करना। अगर लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर कीजिए ना, इसका मतलब है 10 को 2 बार गुणा करना। अगर लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि 25 into 25, यानी 25 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25 into 25, यानी यहाँ बेस पे जो भी हो और पावर 2 हो ना, उसको उतना बार ही क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं है, पावर 2 का मतलब ही होता है स्क्वायर, यानी उसी को 2 बार क्या करना है, 2 टाइम्स क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 5 to the power 2 का मतलब है 5 into 5,
10 टू द पावर 2 का मतलब 10 × 10। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का यही मतलब होता है, स्पष्ट है। आइए हम लोग कुछ नंबर्स को स्क्वायर करते हैं। जैसे दे दिया जाए 23 का स्क्वायर करना, नहीं तो 23 का स्क्वायर करना है तो कैसे इसको स्क्वायर करेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं, एक रूल समझते हैं। एक रूल क्या है, जो बुक में है वो रूल पहले पढ़ाते हैं। ये बुक में क्या है कि ए बी हमने क्या कहा, ध्यान से समझेंगे हम, इसको क्या कह दे रहे हैं बी, इसको क्या कह रहे हैं हम ए, तो इसी का मतलब हम कह सकते हैं, आप इसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी दी पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करना है तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग, एकदम करना है बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, पीछे से करना है हम लोग, ठीक है, पीछे से लेना है, आगे से नहीं लेना है। इसी रूल्स के हेल्प से हम लोगों को क्या करना है तो स्क्वायर करना सीखेंगे, 2 digit का स्क्वायर, है ना, बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग 2 digit का स्क्वायर सीखेंगे, 2 digit नंबर्स का स्क्वायर सीखना है। देखिए ये नंबर जो है वो 2 digit का है, 2 digit नंबर्स का स्क्वायर सीखेंगे, फिर 3 digit नंबर्स का स्क्वायर, फिर 4 digit, 5 digit, आप जितना चाहे उतने डिजिट का स्क्वायर खुद से कर सकते हैं चंद सेकंड में। आइए समझते हैं पहले, यानी कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो रूल कहता है कि b का स्क्वायर कीजिए, b के प्लेस में क्या है हमारा, तो 3 है, 3 × 3 = 9। फिर a रूल क्या कहता है, सॉरी ये वाला क्या कहता है, तो 2 × a × b, 2 × 3 = 6। फिर उसमें 2 से प्रोडक्ट कीजिए, 2 × 3 = 6 × 2 = 12 इन हैंड 1। फिर इसको स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करना है, 2 × 2 = 4 और 1 = 5। इस तरह से हम लोगों को ये बुकीज मेथड से स्क्वायर करना सीखना था, जो हम लोग सीख गए। इसके आगे बढ़ेंगे, इस वाले ये वाला मेथड मेरे लिए बेकार है, आगे हम पढ़ेंगे एक नया मेथड, एक नया कॉन्सेप्ट जिसका यूज, जिसके यूज से हम लोग 2 digit नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो, 3 digit नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो, या 4 digit नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो, उन सब में यूज करना पड़े वैसा चीज हम पढ़ेंगे, स्पष्ट है। आइए हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो होता है ना हमारा, चढ़ के उतरने वाला होता है, यहां भी वही है, 2 digit का है ना, तो ध्यान से समझिएगा। पहला रूल लगाएंगे, रूल सिखाएंगे हम, पहला रूल लगाएंगे, फिर दूसरा रूल लगाएंगे, फिर पहला रूल लगा देंगे, स्पष्ट है ना, यानी कि पहला वाला रूल पढ़ेंगे क्या होता है, फिर दूसरा पढ़ना है, यानी यहां 2 digit का है तो यहीं तक मैक्सिमम 2 तक जाएंगे, पहला रूल लगाना है, फिर दूसरा रूल लगाना है, फिर लौट जाना है। अगर ये 3 digit का होता, अगर मान लीजिए 143 का स्क्वायर रहता हमारा, 3 digit का स्क्वायर है ये हमारा, तो पहला रूल लगाएंगे, फिर दूसरा रूल लगाएंगे, फिर तीसरा रूल लगाएंगे, फिर दूसरा रूल लगाएंगे, फिर पहला रूल लगाएंगे, मतलब हमेशा यही वर्क करना है, चढ़ के उतरना है, मैक्सिमम तक जाना है, मैक्सिमम कहां होगा, जितना क्वेश्चन में हमारा दिया रहेगा, स्पष्ट है। आइए हम समझते हैं, तो ये रूल क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझना है, ये रूल क्या कहता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला रूल कहता है जब भी लगाएंगे, पहला रूल लगाएंगे तो नीचे में 1 digit का ही यूज कर सकते हैं हम लोग, स्पष्ट है। पहला रूल लगाने जा रहे हैं तो राइट साइड से पहले डिजिट का ही यूज करना है, और किसी चीज का यहां यूज नहीं करना है, स्पष्ट है। आइए, ये 2 मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 मेरे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे हम लोग कैसे करते हैं, चलिए छोड़िए सबको। आइए, पहला रूल लगा रहे हैं तो नीचे में 1 digit दिखना चाहिए, पहला रूल लगा रहे हैं नीचे में 1 digit दिखना चाहिए, नीचे में क्या दिख रहा है हमारा, 1 digit, और वो डिजिट क्या है, तो 3 है। तो पहला रूल कहता है कि ये इस पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 3 = 9। दूसरा रूल सीख रहे हैं क्या कहता है हमारा, दूसरा रूल क्या कहता है, इन सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, इन सबका क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट, 2, 3 और इस 2 का भी प्रोडक्ट कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है, समझा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, क्योंकि नया चीजें है, कहीं आपको देखने को ये नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा आराम से समझिएगा। दूसरा रूल क्या कहता है, इन सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 का 2 इन हैंड 1, हमेशा 1 1 लेंगे हम लोग, 12 6 जा सॉरी
3 + 6 = 12, 12 का 2 in hand, 1 लेंगे, फिर क्या कर रहा है हम लोगों को, पहला रूल खत्म, दूसरा रूल खत्म और तीसरा नहीं, यहाँ पे पहला में लॉर्ड जाना है, अब पहला रूल किसको लगाएंगे, इस 3 का तो यूज कर चुके हैं, तो इधर से राइट साइड से उसको कैंसिल करते चलेंगे, छोड़ते जाएंगे, अब बचा मेरा 2, 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 और ये 1, 5, इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे, स्पष्ट है हमारा। एक और देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि हम लोग को स्क्वायर कर दीजिए, 37 का स्क्वायर कीजिए, देखिए बहुत ही आसान है, हम लोग यहाँ पे वो वाला रूल भी लगा सकते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे, उसमें भी हम लोग सिखा सकते हैं कि उसके हेल्प से भी कैसे बनेगा। फिलहाल यहाँ सीखिए, 7 दिख रहा है पहला रूल में, 1 डिजिट लेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो हमारा 9 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा। नहीं, दूसरा रूल क्या कहता है, सबका प्रोडक्ट कर दिए, 3 7 = 21, 21 2 = 42, 42 + 4 = 46, in hand 4, दो रूल हो गया, मतलब दूसरा रूल लगाया तो नीचे में 2 डिजिट दिखा, और तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, तीसरा रूल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट है, तो फिर पहले वाले रूल पे लौट जाएंगे। पहला रूल क्या कहता है कि 1 डिजिट का स्क्वायर कीजिए, तो इसका तो छोड़ेंगे क्योंकि राइट साइड से छोड़ना है, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो कर चुके हैं, अब हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 = 9, 9 + 4 तुम लोग 13 लिख करके आंसर कर देंगे। आपको चेक करना, हम लोगों ने चेक करना भी सीखा था, आपने जो किया वो सही है या गलत है आप चंद सेकंड में चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 + 3 = 10, 10 का स्क्वायर, 10 का मतलब डिजिट सम 1 ना, 10 का डिजिट सम 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अंदर का डिजिट सम आया 1 और इस पूरे पे तो स्क्वायर है, इस पूरे पे तो स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 1 का स्क्वायर करके डिजिट सम निकालेंगे, 1 का स्क्वायर की डिजिट सम 1, यहां भी 1 आ जाना चाहिए, 9 9 कैंसिल, देखिए 1 आ गया, इसका मतलब ये 100% मेरा स्क्वायर क्या है, सही है। आइए आगे आप इसको सॉल्व करते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर करना सीखते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर करना सीखना है, ध्यान से समझना है, यहाँ भी पहला रूल लगाना है, फिर दूसरा रूल, 2 तक सीख गए थे, तीसरा सीखेंगे अभी, फिर दूसरा, फिर पहला, स्पष्ट है। आइए, पहला रूल कहता है कि नीचे में 1 डिजिट पहला रूल लगा रहे हैं, इसलिए नीचे में 1 डिजिट ही दिखना चाहिए, इस 1 डिजिट का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 = 9, नहीं, अब 2 डिजिट लगा रहे हैं तो नीचे में कितना डिजिट दिखना चाहिए हमको, 2 डिजिट दिखना चाहिए, और दूसरा रूल कहता है कि इन सब का प्रोडक्ट 3 4 = 12 2 = 3 4 = 12 2 = 24, 24 का 4 in hand 2, तीसरा रूल सीखना है, ध्यान से समझिएगा, तीसरा रूल क्या कहता है ध्यान से समझिए, यहाँ पे तीसरा रूल क्या कहता है कि इस मिडिल वाले का स्क्वायर कीजिए, इस मिडिल वाले का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए, जो रेस्ट बचा है ना उसको प्रोडक्ट कीजिए, 1 × 3 × 2 कर दीजिए, स्पष्ट है, बीच वाले का स्क्वायर करना है, बाकी जो भी रेस्ट बचे उन सबका प्रोडक्ट करके ऐड कर दीजिएगा, वही हो जाएगा, ऐड करने के बाद, इन सारे ऑपरेशन करने के बाद जो कैरी है ना उसको ऐड करना है, स्पष्ट है। 4 4 = 16, यहाँ पे +6 रिजल्ट होगा 22, +2 = 24, 24 आ जाएगा, 24 का हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 2 कैरी कर लेंगे। अब देखिए हमारा ये 3 डिजिट का था, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल खत्म, अब कौन सा लगाएंगे, दूसरा रूल लगाते हैं तो नीचे में 2 डिजिट दिखना चाहिए ना, अब 2 कौन लेंगे, तो पीछे से छोड़ेंगे, 3 को छोड़ करके इस 1 और 4 पे टिक करेंगे, स्पष्ट है। चलिए, तो जब इसको टिक कीजिएगा तो दूसरा रूल क्या कहता है कि सबका प्रोडक्ट, यानी 1 × 4 × 2 कितना हो जाएगा, 1 × 4 = 8, 8 × 2 = 10, 10 का 0 in hand 1, अब हाथ में क्या हो गया हमारा, 1 कैरी हो गया। फिर क्या कहता है, पहला रूल पे आ जाइए, पहला रूल कहता है कि उसका स्क्वायर कीजिए, पहला रूल क्या कहता है, उसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 1 और 1 2, देखिए 3 डिजिट का ये स्क्वायर था, कैसे हम लोगों ने चंद सेकंड में इसको कर लिए, करने के साथ देखिए कैसे चंद सेकंड में इसको चेक भी करते हैं, देखिए 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8 आ गया, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 आ गया, 64 का मतलब डिजिट सम 1, अब इसका डिजिट सम भी कितना आ जाना चाहिए हमारा, 1 आ जाना चाहिए, 9 कैंसिल, 4 + 8 = 2, 4 4 + 8 + 2 = 10, 10 का मतलब 1, इसका मतलब 100% हम लोगों ने जो किया है वो एकदम सही है मेरे प्यारे भाई, एकदम समझ लेना है 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे होता है, एकदम ये रूल बहुत ही आसान है, हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं। आइए 4 डिजिट का स्क्वायर समझते हैं, 4 डिजिट का स्क्वायर,
ध्यान से समझना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि पीछे के सारे रूल यूज हो रहा है। फोर डिजिट का स्क्वायर होगा तो पहला रूल लगाएंगे, फिर दूसरा रूल लगाएंगे, फिर तीसरा रूल लगाएंगे, फिर चौथा रूल लगाएंगे, फिर तीसरा रूल लगाएंगे, फिर दूसरा, फिर पहला। इस तरह से चढ़ के उतर जाना है, कुछ भी नहीं है। आइए अगर हम कहें 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे करेंगे उसको समझिएगा। पहला रूल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई? पहला रूल कहता है कि नीचे में वन डिजिट ही दिखना चाहिए और जो दिख रहा है उसको स्क्वायर कर दीजिए। यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25, हाथ में 2, कैरी क्या हो जाएगा हमारा 2। दूसरा रूल क्या कहता है? जब दूसरा रूल लगा रहे हैं तो नीचे में 2 डिजिट दिखना चाहिए और इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, इसका 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 प्रोडक्ट। 5, 4, 22, 40+2, 42, इन हैंड 4, इन हैंड 4। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा? ध्यान से समझना है, तीसरा रूल में 3 डिजिट नीचे दिखना चाहिए, तीसरे रूल में हमारा एकदम 3 डिजिट नीचे दिखना चाहिए, 3 डिजिट हो जाना चाहिए और इसी तीनों पे काम करना है। क्या करना है? तो बीच वाले का स्क्वायर करना है और बाकी सबका प्रोडक्ट कर देना है, नहीं और फिर रिमाइंडर को भी ऐड कर देना। इस तरह से 50 आ गया हमारा, तो 50 का 0, सॉरी एक मिनट फिर से समझाइए थोड़ा सा। हाँ, तीसरा रूल लगा रहे थे अभी हम लोगों ने, पहला रूल कैंसिल, दूसरा रूल कैंसिल और तीसरा रूल, तो ठीक है हमारा ये तीसरा रूल सही है, हम लोग इसको कैंसिल किए, 50 आ गया, 50 का 0 इन हैंड 5, इन हैंड 5। अब हम लोगों का चौथा रूल बचा, चौथा रूल पे थोड़ा सा ध्यान देना था, है ना? आइए चौथा रूल पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसलिए हम लोगों ने उसको चौथा रूल क्या कहता है समझेंगे। चौथा रूल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई? चौथा रूल क्या कहता है कि नजदीक का गुना नजदीक के साथ और दूर का गुना दूर के साथ। देखिए 5 और 2 यहां दूर है ना, तो दूर वाला तो दूर वाले से गुना कर दिया, नजदीक वाले को नजदीक वाले के साथ गुना कर देंगे। 5, 2 जा 10 और प्लस कर देंगे दोनों को करने के बाद। 5, 4, 3 जा 12 और जो भी रिजल्ट आएगा ना उसमें फिर 2 से प्रोडक्ट करेंगे। इस वाले 2 से क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। मतलब फिर से बोल रहे हैं, नजदीक का गुना नजदीक से करना है, दूर का गुना दूर के साथ करना है और दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको 2 से प्रोडक्ट करना है, उसके बाद रिमाइंडर जोड़ना है, है ना? उसके बाद क्या करना है? रिमाइंडर यानी जो बचा हुआ कैरी है ना उसको जोड़ देना है। स्पष्ट है? तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 22 into 2, 44, 22 into 2 कितना हो गया? 44, और इस 44 में 5 ऐड कर दीजिएगा, 49 हो जाएगा, तो 9 लिख दिए और 4 क्या हो गया हमारा? कैरी हो गया। नहीं, अब 4 डिजिट भी क्या, 4 चौथा रूल भी कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या लगाएंगे? तीसरा रूल, और हम जानते हैं तीसरा रूल लगाएंगे तो नीचे में 3 डिजिट दिखना चाहिए और नीचे में 3 डिजिट कैसे दिखेगा, यहां तो 4 है, इसका मतलब किसी को ना किसी को छोड़ना होगा, मैक्सिमम तक पहुंच गया ना, अब पीछे से छोड़ना है। अब 4 हमारा यही, यानी यही 3 होगा, चौथा छोटेगा 5 और यही तीनों पे तीसरा रूल लगेगा। तीसरा रूल क्या कहता है कि बीच वाले का स्क्वायर कर दीजिए 9, बाकी सब का क्या कर दीजिए? प्रोडक्ट कर दीजिए। 8, 2 जा 16 प्लस 16 कीजिएगा 25 आ जाएगा। हाथ में अगर कुछ कैरी है तो उसको ऐड करते हैं लास्ट में, 25 + 4, 29 इन हैंड 2। चलिए अब हैंड में क्या आ गया? 2। फिर हम लोग क्या करना है? दूसरा रो लगाना है तो नीचे में 2 ही डिजिट दिखना चाहिए ना। चलिए यही 2 डिजिट है 23, 2, 3 जा 6, 2 जा 12, 12 + 2, 14 इन हैंड 1। फिर क्या करेंगे? पहला रूल पे आ जाएंगे। पहला रूल कहता है कि पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा, 4 + 1, 5 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने 4 डिजिट का स्क्वायर बिना किसी कैलकुलेटर के हेल्प से चंद सेकंड में, चुटकी भर में, थोड़ी सी रूल्स को ध्यान में रख करके कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई? आराम से इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा इस चीज को भी, चेक करना है, आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 हो गया कैंसिल, 3 + 2, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 को फिर ऐड कर देंगे 7, यानी पूरे इस प्रश्न का डीएस कितना हो गया? 7, इधर भी 7 होना चाहिए, 9, 9, 9, 9 कैंसिल, देखिए 7 है ना। स्पष्ट? अगर डीएस में नहीं समझ में आता है तो डीएस का क्लास हम लोगों ने डाला हुआ है, आप लोग आराम से जाकर के डीएस का क्लास दे सकते हैं। चलिए एक चीज और समझिए, मान लीजिए कि ये रूल लगाने में ना प्रॉब्लम हो रहा है किसी किसी को,
कोई कह रहा है कि नहीं नहीं इतना बड़ा रूल याद रखना पड़ रहा है, 2, 3, 4, 5 मान लीजिए का स्क्वायर करना है, मान लीजिए कोई कहेगा कि इतना रूल याद करना पड़ रहा है, याद कर लीजिएगा तो आसानी है, लेकिन कोई कहेगा इतना रूल याद करना पड़ रहा है ये कैसे होगा, तो कुछ नहीं है मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप बिना रूल के भी बना सकते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि अगर 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर करना है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। अब हम इसको क्या बॉक्स मेथड से नहीं बना सकते हैं, ये भी तो, अरे स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को दो बार प्रोडक्ट करना, तो देखिए ना उसी को दो बार लिख दिया, अब स्क्वायर रूल लगा दिए, पहला बॉक्स फिर दूसरा बॉक्स फिर तीसरा बॉक्स फिर चौथा बॉक्स फिर तीसरा फिर दूसरा फिर पहला, उसी तरह का है, सेम ही है हमारा। इसका मतलब स्क्वायर करने के लिए अगर आप ये रूल याद नहीं करना भी चाहते हैं तो भी मेरे आप इस बॉक्स मेथड से आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्पष्ट है। चलिए तो आगे हम लोग कुछ और देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत मेथड था ये। अब हम लोग देखते हैं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना, बहुत ही आसान है 50 के आसपास की संख्याओं के, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं 52 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, 53 का स्क्वायर कर दीजिए, हम कह रहे हैं 47 का स्क्वायर कर दीजिए, 57 का स्क्वायर कर दीजिए, इस तरह से स्क्वायर करने के लिए कह दिया जाए तो कैसे किया जा सकता है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है हम लोगों का ये स्क्वायर करना है 50 के आसपास का। देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, देखिएगा ध्यान से समझेंगे, 50 का स्क्वायर करना है, देखना है 50 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है ना उसी का स्क्वायर कर दीजिए, जितना ज्यादा है क्या करना है उसी का स्क्वायर कर देना है, और जो रिजल्ट आता है उसको 2 डिजिट में लिख लेना है, कितने डिजिट में लिखना है यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है हमारा, ठीक है ना, और फिर क्या कर देना है यहाँ पे जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर देना है, और फिर 25 में इसको ऐड कर देना है, 25 में फिर 2 को ऐड कर देना है, मतलब 25 में फिर से क्या कर देना है इसको ऐड कर देना है, स्पष्ट है, ध्यान से समझेंगे हम लोग, हमने क्या कहा इसको, हमने क्या कहा कि जितना 50 से ज्यादा है ना उसी का स्क्वायर कर दीजिए, 4 हुआ ना, लेकिन 2 डिजिट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिख दिया 2 डिजिट में हम लोगों ने, और 25 में फिर क्या कर देना है जो ज्यादा पार्ट है ना उसी को ऐड कर देना है, 25 + 2 = 27 आंसर हो गया, नहीं चलिए इसका करते हैं, तो 3 3 = 9 09 लिख देंगे, और 3 फिर क्या कर देंगे 25 में ऐड कर देंगे, 25 और 3 कितना 28, कहानी खत्म, स्पष्ट है ना। आइए इसको देखते हैं, ये 50 से कितना कम है तो 3 कम है तो 0 3 0 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और कम है तो और कम हो जाएगा, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, यानी 25 में से क्या हो जाएगा हमारा 3 को कम कर देंगे, नहीं तो ये हो जाएगा 22, स्पष्ट है, यहां क्या किए 25 में ज्यादा था ना ये 50 से, इसलिए ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे, अमीर लोग और अमीर, गरीब लोग और गरीब हो जाएगा, स्पष्ट है, तो 25 यहां पे हमारा 50 से कम है इसलिए और कम कर देंगे, ज्यादा है तो और ज्यादा कर देंगे, यहां देखिए 7 × 7 = 49 पूरा लिख देंगे हम लोग, फिर ये ज्यादा है तो और क्या कर देंगे फिर 7 इसमें ऐड कर देंगे, यानी जो ज्यादा है ना तो उसमें 25 में 7 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 32, स्पष्ट है। इस तरह से हम लोग 25 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स हम लोग अगर ये 100 वाला रूल्स पढ़ लेते तो 100 के बेस पे भी बन जाएगा, हमने पिछले क्लासों में 10 के रूल्स के बेस पे बनाया था, 10 का 5 गुना है उस वाले बेस पे भी बन जाएगा, बहुत सारे मेथड होते हैं बनाने के लिए, स्पष्ट है ना। आइए हम लोग आगे कुछ और सीखते हैं, इकाई अंक 5 वाले संख्याओं का वर्ग करना है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो हमारा 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 है उसका वर्ग करना, यानी इकाई अंक 5 होने को वर्ग करना कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 25 का वर्ग कर दीजिए, 35 का वर्ग कर दीजिए, है ना, 95 का वर्ग कर लीजिए,
75 का वर्ग कर लीजिए। इस तरह से हम लोगों का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबका यूनिट डिजिट क्या है हमारा, तो 5 है। सबका यूनिट डिजिट अगर 5 हो, तो अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका वर्ग करना है। ये सब स्पेशल रूल आ जाते हैं, वर्ग करना है। आइए, 5 है यहाँ पे ना, आंख बंद करके क्या लिख देंगे पहले, 25। सब में लिख देंगे 25, कुछ नहीं करना है। सब में क्या लिख देंगे हम लोग, 5 है तो 25 होगा ही, 5 है तो 25 होगा ही। अब देखिए टेंस प्लेस पे, टेंस में यहां जो भी लिखा रहेगा ना, उसमें एक जोड़ के यहां लिखेंगे 3। 2 है तो एक बढ़ा के लिखेंगे 3। 3 2 जा 6 हो गया। 3 है तो एक बढ़ा के लिखिए 4। 4 3 जा 12 हो गया। 7 है तो एक बढ़ा के लिखिए 8। 8 7 जा 6 हो गया। अगर यहां पे 9 है तो 10 लिखिए। 9 10 जा हो गया। कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। यूनिट डिजिट अगर 5 है तो पहले तो 25 लिख दीजिए, और फिर जो टेंस के प्लेस पे उसको एक बढ़ा के लिखिए, और दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जिसका ऐसी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 हो, उनका वर्ग निकाल सकते हैं, चंद सेकेंड में निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। आइए कुछ और देखते हैं। सौ के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना है। सौ के आसपास की संख्याओं का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे 102 का स्क्वायर कर दीजिए, 105 का स्क्वायर कर दीजिए, 107 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, 97 का स्क्वायर कर दीजिए, 88 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, और हम लोग 98 का स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग जो 100 के आसपास की संख्याएं हैं। आप जहां तक लेना चाहें ले सकते हैं, बहुत सारे रूल हम लोगों ने पढ़ा दिया, यहां भी वही पढ़ना है। देखिए 100 के से देखना है, 100 में कितने जीरो, यहां पे 2 जीरो है ना, तो वही देखना है। 100 से कितना ज्यादा है ये हमारा, तो ध्यान से समझना है कितना ज्यादा है ये, तो 2 ज्यादा है। जितना ज्यादा है ना, उस ज्यादा वाले पार्ट का स्क्वायर करना और 2 डिजिट में लिखना है, समझिएगा, इसको 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। और जितना ज्यादा है तो और ज्यादा कर देना है, 104। चलिए फिर से समझते हैं, जितना ज्यादा है उसको और ज्यादा कर देना है, 102+2, यही करके आंसर ला देना है। इसका मतलब 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, और ज्यादा है तो जो ज्यादा कर दीजिए, 104। आंसर स्पष्ट है। चलिए 5 ज्यादा है तो क्या कर देंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर है, पहले यूनिट डिजिट तो 5 है ना हमारा, मतलब 5 ज्यादा है ना यहाँ पे, यूनिट डिजिट से नहीं, 5 ज्यादा है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। फिर ज्यादा है तो ज्यादा कर दीजिए, 1110। आपको अगर नहीं लगता है, पहले वाले रूल से सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए 5 दिख के 25 लिख दिए ना, और 5 है तो यहाँ 11 लेंगे, 11 दहा के 110, नहीं वही रूल है ना, जैसे भी बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस रूल से बना देते हैं कि क्या है यहाँ पे, 100 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 5 ज्यादा है तो और ज्यादा कर देंगे, यानी 105+5 110। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49। 7 ज्यादा है, 7 और ज्यादा कर देंगे, 114। कुछ भी नहीं है, चंद सेकंड में हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया। आइए ये क्या है हमारा, तो -3, यानी 100 से क्या है तो 3 कम है ना, -3 है, यानी -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिख देंगे, 9 कम है तो और कम हो जाएगा, 97 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 95। इस तरह से आंसर हमारा, सॉरी 94, इस तरह से हमारा आंसर चंद सेकंड में निकल जाएगा। देखिए ये 100 से कितना कम है हमारा, तो 12। 100 से कितना कम है हमारा, तो 12 कम है ना, तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 2 डिजिट ले लेंगे, 1 डिजिट को कैरी कर लेंगे। कम है तो और कम कर दीजिए, कम है तो और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 6 और 7, और एक और था हमारा तो 77। इस तरह से एक कैरी था ना, उसको जोड़ देंगे लास्ट में। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। यहाँ देखिए 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 04, कम है तो और कम कर दीजिए, 96। इस तरह से हम लोग चंद सेकेंड में क्या कर लिए, तो स्क्वायर करना सीख गए। आइए हम लोग 200 के आसपास का था, अब 200 के आसपास का, 300 के आसपास का, 400 के आसपास का, 500 के आसपास के नंबर्स का प्रोडक्ट करना सीखते हैं। आइए एक रूल्स को फिर से दिखाते हैं थोड़ा सा। 50
54 का स्क्वायर करना है। ध्यान से समझिएगा, 54 का क्या करना है हम लोगों को, स्क्वायर करना है 100 के आसपास के रूल से नहीं, मतलब ये 50 के आसपास के रूल से बना रहे हैं हम लोग। 50 ऐसे अभी तक हम लोग दो रूल्स पढ़ चुके हैं, फिर से एक नया रूल पढ़ रहे हैं। 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर करना है, 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, रूल लगा रहे 100 वाला ही हम लोग, क्योंकि 100 से ही कंपेयर करना है, 100 से ही कंपेयर करना है। चलिए 100 में 20 है ना, इसलिए हम लोग ने 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। स्पष्ट है, फिर समझ में आया, कम है तो कम करते हैं, ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे, यानी 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 क्या उठा के रख देंगे, नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ने? हमने क्या किया, 50 से देखा कितना ज्यादा या कम, रूल लगा रहे हैं 100 का, 100 से 50 कितना गुना है, तो 1/2 गुना है। जैसे ही 100 में 1/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी जो रिजल्ट आया ना वहां भी 2 से क्या करना होगा, हम लोग को डिवाइड करना होगा, और डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वही लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से भी हम लोगों ने देखा। आइए अब एक हम नंबर लेते हैं जो 200 या 300 के आसपास का हो। हम कहते हैं 203 का स्क्वायर कर दीजिए, 203 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। आइए 203 का स्क्वायर, 200 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, 100 वाले रूल्स पे बनाते हैं और ये 200 का देख रहे हैं, इससे कितना गुना है, तो 2 गुना, इससे 50 आधा था इसलिए आधा से हम डिवाइड किए थे, यहां क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं 200 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 डिजिट में लीजिएगा, 09 लेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा कर देते थे, 206 लिख देंगे, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो 100 से 200 वाला रूल लगा है, 100 का ये डबल है, इसलिए यहां पे भी क्या करना होगा, 2 से प्रोडक्ट करके लिखना होगा हमारा, 412 आंसर हो गया। स्पष्ट है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं फिर हम लोग समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 195 का स्क्वायर कर दीजिए, 195 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, कैसे होगा हमारा स्क्वायर, सेम देखेंगे 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, तो 5 कम है, नहीं या 2 लगा देते हैं यहां पे, तो 300 से कितना कम है, तो 5 कम है, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 लिखेंगे, कम है तो और कम करेंगे ना, 290 हो जाएगा। ये 300 से लिए, यानी 100 का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 से प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आती है वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, और आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ये मेरा फट से आंसर हो गया। स्पष्ट है, तो इस तरह से हम लोगों ने 200, 500, 300 का, चलिए 500 वाला देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा है लगेगा हमारा। आइए 507 का स्क्वायर करना था, 500 क्या कर देते हैं, 504 का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टफ करेंगे, 504 का स्क्वायर करना है, 504 का स्क्वायर करना है, ध्यान से समझना है, 504 का स्क्वायर करना है, 500 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, हम 100 के रूल्स से बना रहे हैं इसको, है ना, 500 से ज्यादा देख रहे हैं, इसका ये 5 टाइम्स है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आइए 500 से कितना ज्यादा है ये हमारा, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 2 डिजिट में लिखेंगे क्योंकि 100 का रूल लगा रहे हैं, ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे, 508 हो जाएगा हमारा। फिर जो भी रिजल्ट आया उसमें क्या करना होगा, हम लोग को 5 से प्रोडक्ट करना होगा क्योंकि ये 5 का 5 टाइम्स है हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, चल इसको हम लोगों ने रिजल्ट करके या फटाक से निकाल दिया। एक चीज और समझिएगा, हमने यहां तक तो किया, इसको मिटा रहे हैं, अच्छा ध्यान से समझिएगा, हमने यहां पे क्या देखा, 500 का रूल लगाया था, क्या ये हम लोग 1000 के रूल से नहीं बना सकते हैं, क्या हम 1000 के रूल से बना सकते हैं क्या, इसको देखते हैं कि 1000 के रूल से बनता है या नहीं बनता। आइए 500 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यहां बना रहे हैं हम, 500 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 लिखेंगे, लेकिन 1000 में तो 30 है तो उसमें 3 डिजिट में लिखना होगा, इसलिए एक जीरो लगा के 3 डिजिट बनाएंगे इसको। स्पष्ट है, अब क्या करेंगे, इसको ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे, 508 कर देंगे। ये जो भी रिजल्ट आया, ध्यान से समझना है, ये जो भी रिजल्ट आया वो 5000 मतलब 1000 का 500 क्या है हमारा, तो हाफ है, क्या है हमारा, तो हाफ है, तो यहां भी क्या करना होगा, हम लोगों को हाफ करना होगा, नहीं अब हाफ कर दीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगी हमारी इतना,
25 और 4, नहीं 2 से कटाएगा 50, 25 बटने और 8 कटेगा 2 से 4 बटने, इतना आ जाएगा हमारा। क्या ये और ये रिजल्ट डिफरेंट है? नहीं, 100% सेम है। इसका यही मतलब है कि आप स्वतंत्र है, जिस रूल का यूज करना चाहे उस रूल का यूज कर सकते हैं। हमने बहुत सारे मेथड्स आपको पढ़ा दिए हैं, बहुत सारी चीजें पढ़े, आगे और भी चीजें को पढ़ते हैं, आइए इसको देखते हैं। कुछ स्कूल शुरू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो थोड़ा समझ लीजिए। आइए आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे नया कॉन्सेप्ट, एक ही अंक के रिपीटेशन से बने हुए संख्याओं का वर्ग करना। एक ही अंक के पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन से बने हुए संख्याओं का वर्ग करना है। जैसे एक एक, देखिए रिपीटेशन से है ना, एक एक एक, ये भी एक ही अंक के रिपीटेशन से बना हुआ संख्या और इसको वर्ग कर देना, स्पष्ट है ना। आइए समझेंगे इसको हम लोग, ध्यान से देखिएगा। एक ही अंक का रिपीटेशन है 111, इसमें कितने 1 है तो 3 1 है, तो देखिए इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना है। 1 2 3 फिर 2 फिर 1, यानी चढ़ के उतर जाना है, जितना इसमें डिजिट होगा ना वहां तक जाना है, फिर लौट जाना है, स्पष्ट है। अगर कहें 1111 का स्क्वायर कर दीजिए, एकदम ध्यान से समझना है, 1111 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या कर देंगे, 1 2 3 4 3 2 1, स्पष्ट है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। 11 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 फिर लौट जाएंगे। इस तरह से बचपन से हम लोग याद करते आए हैं, आज तक की 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है। आज हम लोग ने एक डिफरेंट रूल पढ़ा कि जितना भी होगा 1 वहां तक जाना है और फिर लौट जाना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आइए अगर हम कुछ और समझते हैं, एक ही अंक में एक ही नहीं आता ना, मान लीजिए 2 2 2 रहे, इसका स्क्वायर है मान लीजिए 3 3 3 रहे, 3 3 3 3 रहे, इसका स्क्वायर करना हो मान लीजिए 4 4 4 4 4 4 रहे, इसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? कुछ नहीं है, ध्यान से समझना है इसको कैसे करना है, बस ध्यान से देखना है इसको। क्या हम ब्रैकेट के अंदर ही ऐसे लिख सकते हैं क्या 1111 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 to the power 2 into 111 to the power 2, इसको अलग अलग सेपरेट हो जाता है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, और 111 का कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 2 1 ना। अब इसी में इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर हो गया हमारा। आइए प्रोडक्ट कर देते हैं 4 8, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे और आसानी से कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। यहां समझिएगा, यहां से 3 जब बाहर आएगा तो बाहर आएगा, जैसे यहां पे 2 बाहर आया तो स्क्वायर में हो गया था वो 4 हो गया था, इसी तरह से यहां से जब 3 बाहर आएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसमें कितने हैं 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 3 2 1, और इसी में इससे प्रोडक्ट कर दीजिए, जो रिजल्ट आता है वही आंसर हो जाएगा। डीएस लगाइएगा तो कहेगा कि इसके आंसर जो होंगे वो हमारा क्या होगा तो 9 का मल्टीपल होगा, यानी डीएस 9 होगा। आइए 4 है तो क्या होगा हमारा 16 इंटू कितने हमारा 5 है, 1 2 3 4 5, फिर हमारा 4 3 2 1, ऐसे चढ़ के लौट जाएंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 16 से प्रोडक्ट कर दीजिएगा। इस तरह से करने से क्या होगा हमारा, तो हमारे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। से इस तरह का क्या मतलब है कि एक ही अंक के रिपीटेशन से बनी संख्याओं का ये वर्ग है। चलिए इस तरह से हम लोग कुछ और देखते हैं, थोड़ा सा एक बार नोट कीजिए। आइए यहां तक हम लोग सीख गए, अब लोग कुछ और स्पेशल रूल को सीखते हैं हम लोग, जिसमें क्या आता है 3 के रिपीटेशन से, 6 के रिपीटेशन से और 9 के रिपीटेशन से बने संख्याओं का वर्ग करना। पहले लोग 3 के रिपीटेशन से बने संख्याओं का वर्ग करना सीख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 3 के Thank you.
थ्री से बने संख्याओं के, थ्री से बने संख्याओं का वर्ग, थ्री से बने संख्याओं, थ्री के रिपीटेशन से बने संख्याओं का वर्ग करना है। जैसे मान लीजिए दिया रहता है थ्री थ्री का वर्ग कर दीजिए कितना होगा, थ्री 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 का वर्ग कर दीजिए कितना होगा, थ्री 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 थ्री, इस तरह से संख्याओं का वर्ग बताइए कितना होगा। तो वो तो रूल तो है ही हमारा, क्या रूल था पहले कि तीन को कॉमन करके बाहर नाइन लेकर के, नाइन लेकर के चढ़ के उतर जाके मतलब इलेवन वन वन वाले रिपीटेशन का प्रोडक्ट करके करना, वो तो रूल है ही। एक डायरेक्ट रूल भी है मेरे पास, एक क्या है हमारा डायरेक्ट रूल है। डायरेक्ट रूल समझेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग, इस डायरेक्ट रूल को समझने के लिए इसको मिटाते हैं हम लोग। एक रूल पहले याद देखिए, थ्री थ्री का स्क्वायर अगर हम कहें कितना होगा तो होता है 1089। एकदम ध्यान से समझना है 1089। नहीं, इस तरह से हम लोग जानते हैं थ्री थ्री का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1089। इस वन का हमने फोर ले लिया, जेड मतलब जीरो का क्या ले लिया हम लोग, जेड ले लिया, ध्यान से समझना है। और एट का क्या लिया हम लोगों ने, ई ले लिया। और नाइन का क्या लिया हम लोगों ने, नाइन। हम कहेंगे ओजेन मैथड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो ओजेन मैथड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, ओजेन मैथड कहेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको, हम लोग ओजेन मैथड सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक नया डिफरेंट वे में पढ़ाने जा रहे हैं इसको, ओजेन मेथड पढ़ेंगे हम लोग। 333 का स्क्वायर करना है, ये कहां से ओजेन आया, तो वही आया 33 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आता है क्या 1089। यहां से हम लोगों ने ओजेन मेथड बनाया, क्या बनाया, ओजेन मेथड। समझेंगे ओजेन मेथड क्या है, ओजेन मेथड क्या है, अब इसकी जरूरत नहीं हम लोगों को, ओजेन मेथड क्या है इसको समझते हैं हम लोग, है ना। ये 1089 है ना हमारा, ये 1089 जो है, 1089 जो है, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे पीछे, इसको कहेंगे पीछे, है ना। और ये मेरा आगे हो गया पीछे, और इसका साथी कौन है, तो अल्टरनेटिव साथी होता है, समझेंगे अल्टरनेटिव क्या होता है, साथी होता है। नाइन का साथी कौन है, जीरो का वर्ग। एट का साथी कौन है, तो वन है। एकदम ध्यान से समझना है, एट का साथी कौन है हमारा, वन है, अल्टरनेट होगा। नाइन जीरो के साथ कनेक्ट होगा, एट हमारा वन के साथ कनेक्टेड है, इस तरह से है। आइए हम समझते हैं, एक संख्या मान लीजिए हम लोग के पास है, एक संख्या है 333 का स्क्वायर करना, 333 का स्क्वायर कीजिए, समझेंगे ऐसे 333 का स्क्वायर करना है ना। इसमें कितने थ्री है, तो तीन थ्री है, कितने थ्री है इसमें, वन टू थ्री, थ्री थ्री है। तो रूल क्या कहता है कि पीछे से एक बार लेना है, हमेशा एक बार, सिंगल बार ही लेना है हम लोग, मतलब नाइन जब भी लेंगे एक बार लेंगे, नाइन का साथी जीरो है तो हमेशा एक बार लेंगे, और एट और वन जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो कितने बार लेना है, इसमें जितना भी डिजिट होगा ना उससे एक बार कम लेना है। एकदम ध्यान से कहेंगे, जितना बार कहेगा उससे एक बार कम लेना है, तीन बार कह रहा है तो दो बार लेना है, चार बार कहेगा मतलब यहाँ चार डिजिट होगा, थ्री 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 थ्री, इसका मतलब थ्री 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 अगर चार बार होगा तो तीन बार लेंगे। समझेंगे कैसे लेंगे हम लोग, हमने कहा कि नाइन लेंगे एक बार, एकदम नाइन ले लेंगे, यहाँ तीन तीन बार है, उसके बाद एट आता है तो एट कितने बार लेना है, दो बार लेना है। फिर नाइन का साथी तो जीरो है, वो भी एक बार ही रहेगा। फिर एट का साथी तो वन है, वन कितने बार लेना है, दो बार लेना है। हो गया इसका आंसर, स्पष्ट है, कहीं कुछ नहीं है, ध्यान से समझता है। ओजेन मेथड क्या कहता है कि 1089 को लेना है कैसे, पीछे से एक बार, आगे से जितना बार कहेगा ना उससे एक बार कम लेना है, स्पष्ट है। एक ही बार लेना है, नाइन और जीरो को एक ही बार लिखना है, इसके बीच में भरना है तो वन और एट आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स पैटर्न है हमारा। तो एट कितना बार, जितना बार इसमें डिजिट होगा उससे एक बार कम है, तीन डिजिट का है तो दो बार लेंगे, फोर डिजिट का रहता है तो थ्री बार लेते हैं, इस तरह से समझ गए ना। आइए हम लोग फिर से कर लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा,
इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आराम से एक बार 9 ले लीजिए। देखिए इसमें 5 डिजिट है तो हमको 8 कितना बार लेना होगा, 4 बार। 8 कितना बार लेना होगा, 4 बार। 0 आएगा उसके बाद 1 बार, उसके बाद हमारा कितना आएगा, 1 कितना बार आ जाएगा, तो 4 बार। 1 2 3 4 हो गया इसका आंसर, एकदम स्पष्ट है। इस ओजेन मेथड से हम लोग क्या सीख गए, तो 3 के रिपीटेशन से बड़ी संख्याओं का वर्क करना सीख गए। स्पष्ट है ना, कुछ भी दिया जाए, 3 डिजिट का 4 डिजिट का 5 डिजिट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। आपको समझना है तो समझ सकते हैं, लिखना है लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पष्ट है। अब हम लोग देखेंगे 9 के रिपीटेशन से बड़ी संख्याओं का वर्क। चलिए अगर हम कहें 99 का स्क्वायर बता दीजिए कितना होता है हमारा, तो 9801 होती है, 9801। यहां हम लोगों का क्या मिला, 9। यहां क्या है, 8। ये क्या है, 0। और ये क्या है हमारा, 1। यहीं से सिंगल सिंगल डिजिट लेकर के हम लोग रूल बनाएंगे। 9 से हम लोग क्या लेंगे, n लेंगे। 9 से क्या लेंगे हम लोग, तो n ले लेंगे। 8 से E ले लेंगे, जेड से, 0 से जेड ले लेंगे, और 1 से नेजो रूल्स बन गया हमारा। ये कौन सा रूल बन गया भाई, तो नेजो रूल। एकदम ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है, नेजो रूल। सेम वही रूल है हमारा, सेम वही रूल है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। नेजो रूल क्या है, नेजो रूल क्या कहता है, आगे से एक बार, पीछे से जितना कहेगा उससे एक बार कम। आगे से एक बार कहने का मतलब है ये आगे वाला है ना हमारा, सॉरी यहाँ ना, ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला है और आगे वाला इधर से, तो पीछे से एक बार, आगे से जितना बार कहेगा उसे एक बार कम। पीछे से यानी ये 1 जो है ना वो 8 से कनेक्टेड है और 9 मेरा 0 से कनेक्टेड है, समझ गए ना। अगर ऐसे रहता 999 का स्क्वायर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से समझना है, 1 को एक बार ही लेना है, 9 इसमें 3 बार है तो एक बार कम लेंगे हम लोग क्या, तो 0 0 0 ले लेंगे। फिर हम लोग का 8 एक बार आएगा, फिर 9 हमारा कितना बार आ जाएगा, तो 2 बार आ जाएगा, क्योंकि 3 ही है इसमें। हो गया, यही इसका स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम लोग एक बार और रूल्स बनाते हैं। अगर हम कहें कि 9999 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हम लोग फिर वही रूल, 1 एक बार लेंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 एक बार लेंगे, 0 दो बार ले लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, 8 एक बार लेंगे, 9 दो बार ले लेंगे। फिर वही चीज हम लोगों ने फिर से सीख लिया। हम लोग इसी को एक और मेथड से सीखे थे, उसका थोड़ा यूज करके दिखाते हैं कि क्या ये मेरा सही है या गलत है। ध्यान से समझिएगा, ये 1000 के आसपास का भी तो नंबर है ना, 1000 से कितना कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 3 डिजिट में लिखना है क्योंकि ये 1000 का रूल लगा रहे हैं, तो यहां 00 लिखना होगा, नहीं। फिर एक कम है तो कम कर देंगे, 998 आ जाएगा, कम हो गया ना। देखिए दोनों रूल से हम लोगों ने देखा और सेम ही रिजल्ट आया, इसका मतलब ये भी रिजल्ट मेरा बहुत ही यूजफुल है। चलिए आइए एक और रूल देखते हैं हम लोग, एक और चीज करते हैं। अगर मान लीजिए 9999999999 ऐसे रहे, इसका स्क्वायर करना हो, देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर करना हो क्या करेंगे, 1 एक बार लेंगे, इसमें देखिए कितने हैं, 6 है, तो 0 कितना बार होगा हमारा, 5 बार, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, 8 आ जाएगा। फिर 9 कितना बार आएगा, 5 बार, 1 2 3 4 5। इस तरह से इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर, इतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोगों ने क्या किया, चंद सेकेंड में चुटकियों में कर दिया। स्पष्ट है। तो इस तरह से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सीख रहे हैं और अच्छा से सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, 6 के रिपीटेशन से बड़ी संख्याओं का वर्क करना है। 6 की रिपीटेशन से बड़ी संख्याओं का वर्क करना है, सेम है। अगर हम कहें 6 6 का स्क्वायर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 3। 6 की 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 3 5 6 आ जाएगा, 4 3 5 6 आ जाएगा। चलिए आइए हम इसको लिख देते हैं, है ना। यही से एक रूल लेते हैं हम लोग, तो रूल कहते हैं 4 फुट फिश का रूल। कौन सा रूल यहां से बनेगा हमारा,
फिश का रूल लगा यूज करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। हमारा सिक्स जो है वो थ्री का साथी है और फाइव जो है हमारा फोर का साथी है। आज पीछे से एक बार, आगे से जितना बार कहेगा उससे एक बार क्या करना है, कम बार लेना है, स्पष्ट है। इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि सिक्स सिक्स और सिक्स का स्क्वायर कर दीजिए, देखिए तीन बार है तो क्या करना होगा, एक बार सिक्स लेंगे, फाइव कितना बार लेंगे, दो बार लेंगे, फिर हमारा थ्री एक बार होगा, फिर हमारा फोर कितना बार हो जाएगा, तो दो बार। इस तरह से हम लोगों ने इसका स्क्वायर करना सीख गए। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन थी। आइए सिक्स एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगर कहा जाए सिक्स 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 का स्क्वायर कर दीजिए, तो सिक्स 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 का स्क्वायर करने का क्या मतलब है, इसमें हमारे कितनी डिजिट है, सिक्स डिजिट है, तो एक बार सिक्स लेंगे, फाइव कितना लेंगे, क्योंकि फोर फिट का रूल है, इसके बाद फाइव आता है, फाइव कितना बार लेना होगा, तो पांच बार, क्योंकि छह बार है तो एक बार कम लेना है, पांच बार लेना है, एक दो तीन चार पांच, उसके बाद क्या लेना हम लोग को, थ्री एक बार, क्योंकि सिक्स का कनेक्शन है, थ्री सिक्स का सेटिंग है थ्री के साथ, फाइव का सेटिंग है फोर के साथ, फोर 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 और ये फोर, यही हो गया इसका रिजल्ट। इतना बड़ा कैलकुलेशन चंद सेकंड में कर दीजिएगा, सामने वाला बेहोश हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, हम अपना पूरा 100% लगा करके एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ डीप में बता रहे हैं, बिना किसी YouTube पे कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, किसी बुक में भी सर्च कीजिए, इतना डीप में, इतना डीपेस्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सारी चीज बताया जा रहा है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे भाई कृपया करके अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये नहीं सोचिए कि ये कॉम्पिटिटिव के मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए ही है, कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है, ये कैलकुलेशन है ना छोटे बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है ना, साइंस के स्टूडेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है। साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स बनाना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो मेरे प्यारे भाई आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब कोई इसका फायदा उठा पाए, कहीं इतने डीप में नहीं मिलता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।